जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंद्र सिंह और आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल UTT नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि हमारे इंग्लिश रिविज़न क्लासेस चल रही हैं और आज हम बात करने वाले हैं डे 15 के पार्ट 14 के बारे में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल समय को देर ना करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्वीट्स ऑफ द डे, दिन के उदाहरण क्या है दोस्तों। तो माई फार्मूला फॉर लिविंग इज क्वाइट सिंपल, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई गो टू बेड एट नाइट, इन बिटवीन आई अकॉपी माई सेल्फ एज वेस्ट आई कैन। यहाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, ज़िंदगी का मेरा सूत्र बहुत ही सरल है। मैं सुबह जागता हूँ तथा रात को सो जाता हूँ, इसके बीच में मैं जितना हो सके स्वयं को व्यस्त रखता हूँ। इट इज़ नॉट लेंथ ऑफ लाइफ बट डेप्थ ऑफ लाइफ विच इज इम्पोर्टेंट। लंबी आयु का महत्व नहीं है जितना महत्व इसकी गहनता का है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पहचान क्या होती है दोस्तों, ये जान लेते हैं। तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी पाया जाता है, साथ में समय दिया गया होता है, जैसे वह प्रातः से पुस्तक पढ़ रहा होगा, लड़के 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे आदि। इस काल के वाक्यों में काम का शुरू होना और उसका कुछ भाग का प्रति पूरा होना ही प्रतीत होता है। अब नियम जान लेते हैं, इसके नियम क्या है दोस्तों। तो नियम नंबर हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, आई और बी के साथ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। तो दोस्तों नियम है यहाँ पे, आई और बी के साथ शैल हैव बीन तथा बाकी सभी के साथ अर्थात यू दे ही सी इट, एक वचन या बहुवचन, सभी के साथ विल हैव बीन लगाकर क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing लगाई जाती है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए दोस्तों सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक वाक्यों में हैव बीन के मध्य में नॉट लगाया जाता है और प्रश्नवाचक वाक्यों में विल या शैल को सब्जेक्ट कर्ता से पहले लगाया जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस हमारे दे रखे हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमारे सेंटेंस बनेंगे दोस्तों। तो पहला सेंटेंस है हमारा, मैं प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहा होऊंगा। तो ये सेंटेंस बनेगा हमारा दोस्तों, आई शैल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। सेकेंड सेंटेंस है, तुम प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहे होगे, तो यू विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। थर्ड है हमारा यहाँ पे सेंटेंस, हम प्रातः से पौधों को पानी दे रहे होंगे, तो बी शैल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। फोर्थ है हमारा, बे प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा दोस्तों, मिन्नी 2 घंटे से ही पौधों को पानी दे रही होगी, मिन्नी विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे दोस्तों हम जान लेते हैं भाग 2 के बारे में, कुछ सेंटेंस दे रखे हैं हमारे भाग 2 में। तो पहला सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों, मैं प्रातः से ही पौधों को पानी नहीं दे रहा होऊंगा, तो आई शैल हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। सेकेंड सेंटेंस है, तुम प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहे होगे, तो यू विल हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। थर्ड सेंटेंस है दोस्तों, हम प्रातः से ही पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे, तो बी शैल हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। फोर्थ है, बे प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहे होंगे, तो दे विल हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे, 5वां सेंटेंस हमारा देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आप। ओके, मिन्नी 2 घंटे से पौधों को पानी नहीं दे रही होगी, तो ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों, मिन्नी विल हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। तो अब दोस्तों अब हम बात करेंगे भाग थर्ड में हमारे कुछ सेंटेंस हैं, ये एक जान लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा दोस्तों, क्या मैं प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहा होऊंगा। ये हमारा क्या ऐसा सेंटेंस है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
तो ये सेंटेंस बनेगा सेल आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। और इसके अंत में हम इंट्रोगेटिव का चिन्ह होता है, मार्क होता है, वो जरूर लगाते हैं दोस्तों। सेकंड है हमारा, क्या तुम प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहे होगे, तो ये सेंटेंस बनेगा विल यू हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। थर्ड है हमारा सेंटेंस, क्या हम प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहे होंगे, तो ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों सेल वी हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। फोर्थ सेंटेंस है, क्या वे प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहे होंगे, तो ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों हमारा विल दे हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। फिफ्थ सेंटेंस है, क्या मिलनी 2 घंटे से ही पौधों को पानी दे रही होगी, तो ये सेंटेंस बनेगा विल मिलनी हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे कुछ हमारा भाग फोर्थ है दोस्तों, इसमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ये दोस्तों सेंटेंस है हमारे, इसमें हमारे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के सेंटेंस हैं, दोनों मिक्स सेंटेंस हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, क्या मैं प्रातः से ही पौधों को पानी नहीं दे रहा होऊंगा, तो ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों हमारा सेल आई हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। सेकेंड सेंटेंस है दोस्तों हमारा, क्या तुम प्रातः से ही पौधों को पानी नहीं दे रहे होगे, तो ये सेंटेंस बनेगा विल यू हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। थर्ड सेंटेंस है, क्या हम प्रातः से ही पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे, तो ये सेंटेंस बनेगा सेल वी हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। फोर्थ सेंटेंस है दोस्तों हमारा, क्या वे प्रातः से ही पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे, तो ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों हमारा विल दे हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। फिफ्थ सेंटेंस है, क्या मिन्नी 2 घंटे से पौधों को पानी नहीं दे रही होगी, तो विल मिन्नी हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की बहुत ही शानदार ज़बरदस्त इंग्लिश रिविजन क्लासेस, जिसमें हमने आज बात करी डे 15 के पार्ट 14 के बारे में दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हमने बात करी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों एक छोटा सा काम भाई, आपको सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सीखेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।